हाँ तो भाई, जब तब हैकर्स बैन नहीं हो जाते ना, मेरी वीडियो को आप लोग ईयरफोन लगा के देखा करो भाई, प्लीज़, ये आप लोग से रिक्वेस्ट है। हाँ तो गाइज, फाइनली एंटी चीट नोटिस जो है कि अपडेट हो चुका है। तो देखो इसमें BGMI ऑफिशियल वाले ने क्या लिखा है। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। हाँ तो गाइज ये देख लो, पढ़ लेना ध्यान से, पॉज कर करके अगर नहीं समझ में आए तो। इन्होंने भाई कल के दिन ये नोटिस जारी किया है, अपडेट किया है एंटी चीट नोटिस को, और इसमें लिखते हुए कहा है कि भाई मैंने 81,000 अकाउंट जो है 7 अक्टूबर से लेके अभी 13 अक्टूबर तक बैन कर दिया है। और भाई इन्होंने भाई लीडर बोर्ड वाले को पहले ये किया है, मतलब सबसे पहले लीडर बोर्ड वाले को ध्यान दिया है, 517 अकाउंट जो है लीडर बोर्ड से बैन किया है इन्होंने। और अभी इधर देख लो डेट वेट सब है, फाइनल ये परमानेंट बैन अकाउंट है जो 81,000 है ना, ये परमानेंट बैन कर चुके हैं, इनका कहना है भाई ऐसा। भाई हम लोग तो अंधे भाई, हैशटैग #1 पे जो हैकर बैठा हुआ वो तो भाई लेजिट प्लेयर है भाई, फ्यूरी पापी जो भी नाम है उसका, वो तो लेजिट है। तो भाई आप लोग पॉज करके ये पढ़ लेना। तो चलिए आज का वीडियो का थोड़ा सा इंट्रो स्टार्ट करते हैं, जो देख के आपको पता चल जाएगा कि इस नोटिस के आने से क्या फायदा हुआ है। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि रुक, तेरे को बताते, तेरी मां की चूत तेरी, रुका। हेलो भाई, ऑल ऑन, हेलो हेलो। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई, हमने भी सोचा था इसकी माँ की चूत कुछ तो करेंगे। मैं आई कम, रुक जा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला हेलो सोलो पुशर्स, क्या हाल है, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक सोलो कॉन्करर रैंक पुशिंग गेम प्ले वीडियो लेकर, हैकर्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया का। और ये देखो भाई, जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठा ना, ये वाला बंदा क्या पता कहाँ से प्रकट हो गया और सीधा मेरे गाड़ी के नीचे इसकी लैंडिंग हुई, और उतरते के साथ ही एक किल मेरा इधर फ्री में हो गया। तो भाई क्या ही बोलूँ, इतना अच्छा किस्मत था, एक किल अब इधर हो चुका था। और अब मैंने ड्रॉप लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर लिया, ड्रॉप लोकेशन को अब मैं चला जाता हूँ जोन से 3,000-4,000 मीटर दूर, कोई भी छोटे मोटे कंपाउंड में, या तो भाई जरकी प्रीमॉक्स ऐसे ही सिटी विटी में जाता हूँ। इधर भाई हॉस्पिटल छोड़ दिया मैंने अभी लूटना, तो अभी चलते हैं फिलहाल अपन सिटी में और आगे बढ़ के वहीं पे आपसे बात करेंगे। हाँ तो भाई फिलहाल अपन आ चुके थे जॉर्जियो पुल की बड़ी वाली सिटी पे, जर्की के थोड़ा सा जो आगे, आप लोग को पता होगा इधर ढेर सारा अपार्टमेंट्स रहता है। तो मैंने सुना कि भाई इधर हैकर नहीं आते, बहुत कम हैकर आते, क्योंकि भाई इधर बहुत दूर है भाई ये, और इधर भाई इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं ना भाई, इधर बंदा हैकर जो आएगा ना वो ढूंढते ढूंढते भी परेशान हो जाएगा, मारने के चक्कर में कहीं खुद ना मर जाए। तो अपन इधर आके लूट कर ही रहते, और एक किल तो हो ही चुका था इस गेम में। तो फिलहाल भाई आप लोग को मैं गेम प्ले में दिखाऊंगा, प्लस कितना मिला सब चीज़ दिखाऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग भी रैंक कुछ कर रहे हो तो कंटिन्यू रख सकते हो, अगर आप मतलब कि माइंड फ्री होकर खेलते हो तो। अगर आप स्ट्रेस लेके खेलोगे तो मत खेलो, क्योंकि भाई इसमें प्लस का उम्मीद मत करना, क्योंकि भाई इसमें प्लस बहुत कम दे रहा है, मतलब चिकन तो आपका होगा नहीं पहली बात, ऊपर से आपको प्लस बहुत कम देगा और हैकर लोग आपको सर्वाइव करने नहीं देंगे। तो फिलहाल इस वाली आईडी पे भाई मैं कॉन्कर कर देता कितने दिन पहले ही भाई, 4 दिन या 5 दिन पहले ही, बट नहीं हो पाया, मतलब माइनस लग गया ढेर ढेर सारा। तो अगर किसी को पेड पुश कराना है एस, अगर उस बंदे का आईडी एस पे होगा तो मैं कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पेड पुश कराने के लिए अगर जो सीरियसली कराना चाहता वही आना, थोड़ा सा कॉस्ट हाई होगा क्योंकि भाई लॉबी देख रहे हो आप कैसी है। बस एक आईडी लूंगा मैं, उसके बाद मैं पेड पुश अभी नहीं करूंगा, पूरे सीजन नेक्स्ट सीजन ही करूंगा। तो फिलहाल देखो इधर लूट कर ही रहा था, तो अभी आता है बॉट, बॉट फायर आता है ना, तो मैं भाई सोचता हूँ कि शायद से हैकर है या कोई है, मतलब बॉट फायर कर रहा था, मैं जाता नहीं हूँ, फिर बाद में देखो होता है क्या।
हाँ तो पीछे से M4 चला रहा था बॉट, ठीक है ना, M4। अब मैं बोला कि चलो देख ही लेते रिस्क लेके, अभी इस पे टायर प्रोटेक्शन है, अभी चैलेंज पॉइंट, अगर मर भी गया मैं तो माइनस लगेगा नहीं, तो मैं बोला रिस्क लेके चलो देखते हैं। तो भाई देखो जैसे ही उतरता हूँ सामने वाले वो छोटे वाले घर में एक बॉट नज़र आ जाता है मेरे को, तो मैं इसको जाता हूँ सीधा मारने। और भाई अगर आपको बॉट नज़र आ जाए तो यार उससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और भाई बहुत सारा डैमेज, और भाई इधर इस वाले बॉट को अपन इजीली फिनिश कर देते हैं। और भाई जब इसका पेटी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि भाई इसमें तो M4 है ही नहीं। फिर मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि भाई कहीं वो M4 वाला रियल बंदा तो नहीं था। फिर मैंने सोचा भाई इसका M4 भाई किसी का तो चेंज बॉट का होता नहीं है भाई, अगर बॉट M4 चला रहा था तो उसके पेटी में से M4 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल देखो इसमें से ढेर सारा हीलिंग्स मैं उठा लेता हूँ, बस मेरा गेम प्ले पे आप लोग फोकस करना कि मैं कैसा खेलता हूँ, कैसा लूट करता हूँ। आप लोग अगर कॉन्कर करना चाहते हो तो आपको भाई इस सब पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैं बोला कि चलो क्यों ना भाई थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इधर आसपास कोई बंदा है कि नहीं मेरे को, क्योंकि भाई M4 वाला बॉट कंफर्म था कि बॉट या बंदा इधर है, कोई ना कोई तो है। तो मैं अपना पूरा आता हूँ केयरफुल होकर इधर, और देखो उतने में मेरे को पीछे बॉट नज़र आ जाएगा ये सामने वाले खिड़की में। और भाई इसको ईजिली अपन हेडशॉट से निपटा देते अपने DP से, और ये वाला बंदा को मारने मतलब ये वाले बॉट को मार के मेरा 3 किल हो चुका था कंप्लीट। और अब क्या चाहिए था भाई ज़िंदगी में, भाई अब 3 किल आपको मिल गया, अब तो भाई कैसे भी करके अपन टॉप 5 निकाल लेंगे तो अच्छा प्लस मिल जाएगा। आप लोग टॉप 10 नहीं टॉप 5 टॉप 2 निकालने का कोशिश करो, क्योंकि टॉप 10 पे आपको 2 या 3 का प्लस से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इसको लूट लेता हूँ, और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ लास्ट जोन का एंट्री, तो भाई मिस मत करना। चलो देखते हैं 2x स्पीड में लास्ट जोन की एंट्री। और भाई फाइनली अपन जोन के अंदर आ चुके थे, और ये वाला जगह जोन के अंदर ही था, और फिलहाल इस जगह पे जोन रहेगा नहीं, बट ये वाला जोन तो भाई 2 मिनट तो अपन इजीली इधर निपटा सकते हैं, अपना कैसे भी 2 मिनट और सर्वाइव कर सकते हैं। और अभी टॉप 10 होने ही वाला है, तो भाई इधर अपन ईजिली अपना हीलिंग वीलिंग करके इधर अपना निकाल लेते हैं 2 मिनट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज की शॉर्ट आउट की, तो टुडे शॉर्ट आउट गोज टू निंजा गेमर्स एंड OP साइक्लोन, बिग शॉर्ट आउट टू यू बोथ में भाई, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आप लोग को भी चाहिए ऐसा ही प्यार शॉर्ट आउट मेरे चैनल पे, तो सिंपली से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और भाई बगल में नोटिफिकेशन बेल आपको दिख रहा होगा ऑल पे सेट कर लो भाई, मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ तो आप लोग भाई आके देख लिया करो वीडियो, और ड्रॉप कर दो एक प्यारा सा कमेंट। आप लोग का कमेंट से ही मैं उठाता हूँ, हर वीडियो का कमेंट से उठाता हूँ, जो प्यारा कमेंट लगता है मैं उसको भाई उठा के शॉर्ट आउट दे देता हूँ। और भाई मैं बात कर लूँ आज का लाइक एम का, तो भाई लाइक एम कुछ भी नहीं है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी आप लाइक करोगे मैं जानता हूँ, तो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे। और भाई सब्सक्राइबर गोल तो मैं रख दूंगा भाई, आज 3000 सब्सक्राइबर करा दो भाई, आज तो नहीं बट 2-3 दिन में आप लोग करा दो भाई, बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ भाई, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो। तो अब इधर देखो ये सामने बंदा था स्क्वाड हाउस पे, तो मैं सोचा धीरे धीरे इसको अपन निपटाएंगे, धीरे धीरे इसकी तरफ मैं बढ़ रहा था प्रोन होके भाई, बट ये वाला बंदा है ना मतलब बहुत ही चालाक था, थोड़ा केयरफुल था, बट ये बंदा लेजिट था ये मेरे को मालूम हो गया था। ये देखो सामने के साइड ये हल्का सा नज़र आ रहा था, बट मैं इस पर फायर नहीं लिया कि 1-2 बुलेट मार के क्या फ़ायदा, ये बंदा अलर्ट हो जाएगा और इसको सिर्फ डैमेज लगेगा, ठीक है। तो मैं और थोड़ा सा इधर आता हूँ और इधर प्रोन होता हूँ, और इधर से भाई बंदा नज़र आता है, मतलब फिर ये घास जो है दिक्कत दे रहा था, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आगे इधर आता हूँ और इस बंदे को स्पॉट करता हूँ, और भाई देखना ये वाला बंदा शायद क्या पता कैसे मेरे को स्पॉट कर लेता है, और भाई देखना क्या ही करेगा ये मेरे साथ अभी। भाई जैसे ही मेरे पे फायर लेने के लिए अपना एंगल बना रहा था वैसे ही मैंने इसको दे दिया भाई फायर, और भाई ये वाला बंदा फटाक से भाग गया अंदर, 2-3 बुलेट आई थिंक चिपकी होगी, और देखो भागते भागते मेरे को भी इसने चिपका दिया बुलेट। तो मैं आता हूँ कवर में, और इधर भाई हीलिंग तो फुल थी, बूस्ट इसलिए हमेशा लास्ट जोन में मार के रखा करो। और अब देखो मैं इस पर किया 2-3 बुलेट फायर ताकि ये वाला बंदा फिर से दोबारा मुंह निकाले नहीं, और उसके बाद मैं चला जाता हूँ जोन में। और अब देखो भाई जोन में जैसे ही एंट्री लेता हूँ ना होगा क्या, बस वो देखो भाई यही है, टॉप 10 तो हो चुका था, बट मेरा भाई एम था कि मैं टॉप 3 तक जाऊँ, टॉप 2 तक जाऊँ। और भाई अगर उसके लिए आपको पोजीशन चाहिए अच्छा, और अगर आपको टॉप 2 या टॉप 5 तक सर्वाइव करना, तो उसके लिए आपको एक प्यारा सा पोजीशन चाहिए। और देखो अभी जैसे ही मैं जोन में जाने के लिए अपना गाड़ी निकाल चुका था, वैसे ही मेरे साथ होता है क्या, बस देखते जाओ।
और भाई आ चुका था मैं जोन के अंदर। और अब देखो होता है क्या भाई, 1 2 3 ये वाला बंदा जो है हैकर रहता है, और इस वाले बंदे के लिए भाई कुछ गाली हो जाना चाहिए। तो थोड़ा सा गाली बजा देता हूँ, उससे पहले भाई मैं बता दूँ कि ये वाला बंदा जो है अभी लाइव बैन भी होने वाला, तो बस देखो। ओ बहन के लौड़े भोसड़ के, तेरी माँ की चूत हाथ के पिल्ले, तेरी माँ की भोसड़ के धातु प्लेयर, ठीक है ठीक है, प्लेयर लौड़े भोसड़ के खेला के माता को पल्ले के बच्चा भोसड़ का, तेरी माँ की चूत लौड़े बहन के लौड़े भोसड़ के भोसड़ के बंदी के बच्चे, तेरी माँ की चूत कुत्ते के चोदे बहन के लौड़े भोसड़ के हाथ के पिल्ले भिखारी चौड़ा कुत्ते के चोदे माता चोद। क्या बड़बड़ करते इसकी माँ का भोसड़ा, माँ की चूत इसकी बहन के लंड की, मादर चोद बल्ले के लड़के, मादर चोद बल्ला भोसड़े का माथ लो आंड कर रहा है बहन चोद, गाड़ 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 इसकी माँ की चूत। और भाई ये वाला बंदा हो चुका था इधर लाइव बैन, और इसकी केडी 12 की थी भाई, और मतलब 12 की केडी रख के भाई खेल रहे हो भाई, शर्म कर लो यार भाई। खुद की अगर लेजिट खेले तो 2 की केडी ना रहे, इसकी 1 की केडी ना रहे, 0. कुछ की केडी रहे, और भाई इधर 12 की केडी लेके तुम घूम रहे हो, शर्म आता है तुमको? और अब देखो इस पे दूसरा वाला हैकर है जो, ये देखो अभी डिस्टर्ब डायनो नाम नज़र आ रहा होगा, वो वाला बंदा इस पे करता है एक नेड, उसके बाद भाई इसको फिनिश कर देता है। तो आप लोगों ने इंट्रो में भी देखा होगा, तो भाई बस हैकर ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये बन गया है, ये एकदम ट्रुथ है। तो भाई क्या ही बोलूँ, बस देखो वो वाला बंदा इसको कैसे मारेगा, और मैं आपको अभी प्लस भी दिखा दूंगा कि इस मैच में कितना प्लस मिला था मेरे को। और भाई ये देखो अभी इस पे आएगी एक ग्रेनेड, क्योंकि बंदे को पता था हैकर को, और ये भाई इधर AWM से इस बंदे ने इसको मार दिया, हैकर ने हैकर को इधर मार दिया, बस यही चल रहा है हैकर वर्सेस हैकर। तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना भाई मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई, और लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो भाई। जैसे ही हैकर बैन होंगे ना भाई, अच्छे अच्छे गेम प्लेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी भाई, क्योंकि भाई अभी लॉबी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा ऐसा गेम प्ले डालना पड़ रहा है। तो बस आप समझ लो सिचुएशन को। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं कल की एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।